हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने ईद से पहले एक बार फिर कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश तेज कर दी है। पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के विरोध में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने की बात कही गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इसी ऐलान के बाद पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं। माहौल खराब करने की कोशिश में लगे अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर रखा जा सकता है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, क्या इस खबर को लेकर अपडेट है आपके पास और पूरी खबर? देखिए, जो बंद बुलाया गया है हुर्रियत नेताओं की तरफ से, दरअसल ये जीएसटी को लेकर है। आज कश्मीर में बंद के साथ साथ ये प्रदर्शन का मामला है। जो प्रदर्शन बुलाया गया है आज जुमा की नमाज के बाद, दरअसल जीएसटी को लागू करने के लिए अभी यहाँ पर स्पेशल सेशन है असेंबली का, वो बुलाया गया है 17 जून को। लेकिन इसपे सहमति नहीं बन पा रही है। सिर्फ अलगाववादी नेता ही नहीं बल्कि मुख्यधारा के जो विपक्ष दल है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस या अन्य दल है, वो भी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी पीडीपी कोलिशन, तो उसको लागू करने में काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है आपस में इन पार्टीज की। और इसी बीच हुर्रियत ने भी इसका विरोध किया है और आज इसी के चलते इन्होंने यहाँ पर जुमा की नमाज के बाद जो है प्रदर्शन का कॉल बुलाया है। और साथ ही साथ कल ट्रेडर्स यूनियन ने भी कश्मीर बंद का आह्वान किया है। जी, पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के खिलाफ है ये बंद क्या? नहीं, ये जीएसटी का जो मामला है उसके खिलाफ बंद बुलाया गया है कश्मीर में। लेकिन बंद की कॉल नहीं है, ये प्रदर्शन की कॉल है। प्रदर्शन जुम्मा की नमाज के बाद उसका कॉल दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका खालिद हुसैन।